छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, मतदाताओं में भारी उत्साह। प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 59% से अधिक मतदान। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर ने कबीरधाम जिले के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। और मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों, कार्मिकों और ठेका श्रमिकों ने बनाई मानव श्रृंखला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव के पहले चरण के लिए आज 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। बस्तर संभाग के 10 संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। वहीं 10 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। आइए देखते हैं पहले चरण के मतदान पर एक रिपोर्ट। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांकेर जिले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच गए। इस बार मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहले चरण के 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। अंतागढ़ से भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने अपने गृह ग्राम बोंदानार में मतदान किया, तो वहीं भानु प्रतापपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने प्राथमिक शाला तेलगरा से मतदान किया। कांकेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आशाराम नेताम कुलदेवी की पूजा अर्चना करने के बाद मतदान स्थल पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने मतदान कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते रहे। कांकेर जिले के प्रत्याशियों ने मतदान के बाद अपनी जीत सुनिश्चित होने की बात भी कही। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अनूप नाग ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उस पोलिंग बूथ से मतदान किया जहां से उन्होंने शिक्षा ली। क्षेत्र की जनता ने मुझे ये चुनाव लड़ा रहा है, उसी का निर्देश मैं पालन कर रहा हूं और आज मैं पूरे क्षेत्र का विशेषकर अंतागढ़ के इर्द गिर्द मतदान केंद्रों में भी जाकर देख रहा हूँ। काफी उत्साह है क्षेत्र की जनता। विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से इस समय यहाँ बहुत अच्छा जीत का मार्जिन भी रहने वाला है। बिल्कुल, आज अपने गिरिग्राम तेलगरा में अपना पहला वोट डाली है अपने तेलगरा में, और ये अपना निशान ये है, और वाकई में बिल्कुल जीत के प्रति बहुत आशीर्वाद हूँ। बीजापुर जिले में भी मतदाताओं का उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र में कतारबद्ध होकर मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सह परिवार मतदान स्थल पहुंचे और मतदाताओं का उत्साहवर्धन करते रहे। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी ने भी अपने गृह ग्राम फरेसगढ़ में मतदान किया। सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री कवासी लखमा ने अपने गृह ग्राम नागारास में सपरिवार पहुंचकर मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी सोयम मुका ने भी कोंटा मतदान केंद्र से मतदान किया। मतदाधिकार है, 5 साल में एक बार त्योहार आता है, उसको वोट डालना जरूरी है। हिंदुस्तान के आह्वान को और छत्तीसगढ़ के लोगों का सेवा करना है और यहाँ विकास करना है, इसलिए मैं सभी जनता से भी अपील करता हूँ कि वोट डाले। कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मतदान स्थल पहुंचे और मतदाताओं का उत्साह वर्धन करते हुए वोट करने की अपील की। जगदलपुर में भी मतदाता उत्साहित नजर आए। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी सुबह से मतदान किया और मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाते रहे। इस दौरान जब जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के मतदान केंद्र पहुंचे,
तो वहां आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और लोगों से मतदान में भाग लेने की अपील भी करते रहे। वहाँ पर ऊपर मैंने भी अपनी जिम्मेदारी नागरिक होने के कारण से मैंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, ये उसका निशान भी है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक मतदाता अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में जरूर जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, रायपुर। नारायणपुर जिले के माओवाद प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। कभी माओवादी संगठनों में सक्रिय रहने वाले आत्मसमर्पित माओवादियों ने भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हुए मतदान में भाग लिया। माओवादियों की अमदई एरिया कमेटी की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने पहली बार मतदान किया। इससे पहले वे लगभग 13 वर्षों तक चुनाव का बहिष्कार करती रही। आत्मसमर्पण करने के बाद सुमित्रा साहू अब पुलिस आरक्षक बन गई है और माओवादियों से लड़ रही है। प्रदेश के अति संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। दोपहर 1 बजे तक पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 44.55% मतदान हुआ था, जबकि दोपहर 3 बजे तक लगभग 58% मतदान हो चुका था। सबसे अधिक मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के 73% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। वहीं बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम लगभग 30% मतदाता वोट डालने पहुंचे, जबकि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 62, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 52, जगदलपुर में 61 और कोंटा में 50% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कोंडागांव जिले के कुकड़ादा गांव में डीडी न्यूज की टीम पहुंची। गांव में 234 मतदाता है, जिनमें से 114 पुरुष और 123 महिला मतदाता है। ये गांव नक्सली प्रभावित इलाका है और यहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्र में हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से बातचीत में लोगों ने बताया उनका गांव जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बने, उन्हें अपने गांव में अस्पताल, सड़क और विकास चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मतदान शुरू हो चुका है और यहाँ पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त कोंडा जिले के कोकड़ेडा गांव में हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो मतदान कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है, उनसे बातचीत करेंगे कि मतदान किए हैं और किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं। सुबह से 7 बजे से अपना वोट मतदान कर चुके हैं हम लोग और यहाँ की समस्या तो कोई भी पार्टी आए सर उससे हमारा मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। इस अंदरूनी एरिया है, कोंडागांव जिले की अंतिम छोर है और यहाँ हमारी सबसे समस्या है रोड। हमको विकास की गति प्रगति ले जाने के लिए हमको रोड चाहिए। कोई भी सरकार आए हमको विकास की ओर आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए, हमारी जो समस्याएं हैं उनको सफल करना चाहिए। सर वो रोड गलत ठीक नहीं है सर, और हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है, बहुत दूर केस काल ले जा रहे हैं, कोई लोग कांकेर कोई लोग खाले मोरवेन तो दूर हो रहा है सर, इसलिए हमको हॉस्पिटल चाहिए। क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग के इस इलाके में? किसी का इमरजेंसी में तबीयत खराब हुई होता है सर तो दूर ले जाना पड़ता है, इसलिए हमें हॉस्पिटल चाहिए सर। मतदान कर दिया आपने? नहीं किए हैं। तो ये बताइए अभी आप मतदान करने जाएंगे तो कैसा नेता चाह रहे हैं आप? नेता ऐसा चाहिए कि जो अपनी बात को जो वहाँ ले जाके हम लोग ये करते हैं तो उस बात को वो ध्यान में रखते हुए वो काम होना चाहिए, ऐसा नेता हम लोग चाहते हैं। तो देखिए अपनी परेशानियों को सारे लोग बता रहे हैं, यहाँ के BLO हैं जो लगातार यहाँ पर इनकी ड्यूटी सुबह से लगी हुई है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ है और क्या स्थिति है? यहाँ टोटल मतदाता 237 हैं, अभी तक के 78% मतदान हो चुका है सर और मतदाता 7 बजे से लगे हुए हैं। तो ये बता रहे थे कि अभी तक यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, लोग यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं। चूंकि यह इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर मतदान कराना अपने आप में चुनौती है। सोमेश पटेल, DD News, बस्तर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी लोग पहले निश्चिंत होकर स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे और आजादी के साथ रहते थे। आज इसी प्रकार से आदिवासी लोग महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में माओवादी अब तक सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गए हैं। नक्सली बता के या तो जेल के अंदर ठूस दिए गए या फिर उसे इनकाउंटर करके मार दिया गया, तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत हो के अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आज़ादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं, इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था, बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहाँ से निर्वाचन होकर आते हैं वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। कबीरधाम जिले के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य ऑब्जर्वर अजय कुमार गुप्ता और पुलिस ऑब्जर्वर राकेश खुराना ने कबीरधाम जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में पहुंचकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सहसपुर लोहारा के स्वामी आत्मनंद स्कूल आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कार्यों का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इक्विपमेंट चौक से सेक्टर 1 तक से BSNL चौक तक अधिकारियों, कार्मिकों और ठेका श्रमिकों ने मानव श्रृंखला बनाई। इसमें संयंत्र के अधिकारियों और कार्मिकों के अलावा ठेका श्रमिक और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस्पात संयंत्र ने अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अधिक वोट करने की पहल को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, उनमें से यह भी एक पहल है। आज 6 नवंबर को हमने भिलाई के जितने भी निवासी हैं उनसे आह्वान किया था कि आप बाहर निकले, मानव श्रृंखला बनाए ताकि शत प्रतिशत चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। और मुझे बहुत खुशी है कि लोग पूरा बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे आए हैं। इतना और जितना उत्साह देखा, मुझे हमने सबसे अपील की है कि चुनाव वाले दिन भी आप अपने घर से निकले इसी तरह से और चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस अवसर पर लोगों को लोकतंत्र के प्रति आस्था जागृत करने और शत प्रतिशत मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। बलरामपुर जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवा के मतदाता, मतदान दलों, सेक्टर ऑफिसर, निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारी और अन्य जिले में पदस्थ पुलिस कर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने की सुविधा के लिए केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रिम्यूसिस इक्का ने बताया कि जिले में मतदान कार्य में तैनात कर्मचारियों और विद्युत तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने 8 से 9 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही 80 आयु वर्ग से अधिक 179 मतदाता और 45 दिव्यांग मतदाता 9 से 10 नवंबर तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाता हैं, इनकी तीनों विधानसभाओं में संख्या जिन्होंने सहमति दिया है 179 है, और दिव्यांग श्रेणी के जो मतदाता हैं इनके तीनों विधानसभा मिलाकर के 45 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए सहमति दिया है। ये कुल संख्या जो है 80+ और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 224 होती है। इसके लिए मतदान कराने के लिए कुल 24 रूट हमने बनाया है तीनों विधानसभा मिलाकर के, और ये गौरतलब है कि जिले में मतदान कार्यों में लगे 3,200 कर्मचारियों और अनिवार्य सेवा की श्रेणी में शामिल स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग के 127 कर्मचारियों ने आवेदन किया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।